वीएनआईटी की ओर से क्रिक मोनिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज बुधवार को हुआ और यह टूर्नामेंट 2 दिसंबर से 23 दिसंबर तक वीएनआईटी ग्राउंड पर वीएनआईटी की टीम सहित 12 टीमों के बीच खेला जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्देश्य शहर के उभरते हुए खिलाड़ियों को एक मौका देना है। 2 दिसंबर से 23 दिसंबर तक वीएनआईटी की ओर से क्रिक मोनिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन वीएनआईटी ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें वीएनआईटी की टीम सहित 12 टीमें शिरकत करेगी। चौऱ्याण्णवपासून मॅचेस सुरू झाले आहे, त्याचा मागचा उद्देश असा आहे की त्यावेळेस नागपूरमध्ये टर्फ विकेट नव्हते, मॅटींवरती मॅचेस खेळल्या जात होत्या आणि नागपूरमध्ये क्रिकेट तितकं इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हतं आणि सेंट्रल इंडियातला सगळ्यात मोठं ग्राउंड आणि सगळ्यात सुंदर ग्राउंड हे वीएनआयटीमध्ये असताना त्याचा फायदा सोसायटीला का मिळू नये त्या उद्देशाने क्रिकमेळ्याची सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून हे क्रिकमेळ्याचे जे ऑर्गनायझर आहेत मोठ्या परिश्रमाने या टूर्नामेंटचा ऑर्गनायझ। क्रिकमोनिया यह क्रिकेट का टूर्नामेंट 50-50 ओवर्स का रहेगा, जिसमें उपराजधानी के उभरते हुए खिलाड़ियों को इसका लाभ होगा, जिसका शुभारंभ बुधवार को किया गया। क्रिकमेनिया एक जो ऐसा टूर्नामेंट है, मतलब अभी कैसा T20 वाला जमाना आ गया है, क्रिकमेनिया इज द ओनली टूर्नामेंट एट नागपुर सिटी विच वी ऑर्गेनाइज ऑफ 50-50 ओवर्स। 50 ओवर्स का जो कंसेप्ट है वो बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं और ये साल के शुरुआत से लेके अब तक के बच्चे इतने एंथुजियास्टिक रहते कि टूर्नामेंट कब चालू होगा करके। तो ये हमने 50 ओवर्स वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म नागपुर यूनिवर्सिटी के जो उभरते क्रिकेट खिलाड़ी है उनके लिए हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। हमारा जो ये ग्राउंड है थोड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड है, पहले नागपुर सिटी में एक ही BCA का ग्राउंड था। उस समय जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस, VG ट्रॉफी के मैचेस, यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन ट्रायल्स यहाँ होते थे। तो ये पुरानी हिस्ट्री इसकी ऐसे है कि बिशन सिंह बेदी से लेकर सुनील गावस्कर तक के एंड लेटेस्ट अभी उमेश यादव यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी यहाँ पे मैचेस खेले हुए हैं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड है ये और 6 टर्फ विकेट है इसमें। गौरतलब रहे कि नागपुर में VNIT ग्राउंड यह सबसे बड़ा व सुंदर ग्राउंड है, जिसका लाभ नागपुर के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। वही एक और जहां T20 मैचों की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसमें 50-50 क्रिकेट मैचों का भी अपना ही एक महत्व है, जिसके लिए यह टूर्नामेंट शुरू किया है। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ श्वेता अक्केवार, NBC News नागपुर।